हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू ऑफिसर। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा मॉक लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, किसी भी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। जैसे इसमें लिखा गया, आप देख सकते हैं, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। तो कोई भी प्लान अगर आप नहीं कर रहे हो अपने गोल को अचीव करने के लिए, या फिर आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है, तो फिर वो चीजें रियलिटी नहीं बन पाती हैं, वो सिर्फ एक विश ही रह जाती है, इच्छा ही रह जाती है, राइट। तो ऐसी चीजें हैं। तो इसी तरीके से हमारे बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए भी हमारा जो मेन टारगेट होता है वो होता है कि मॉक टेस्ट, किस तरीके से मॉक टेस्ट को हमें लगाना है, किस तरीके से एनालाइज करना है। बट बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि कौन सा मॉक टेस्ट बेस्ट होता है, राइट। ये चीजें बहुत कंफ्यूज करती हैं, मुझे भी कंफ्यूज करती थी, आपको भी कंफ्यूज करती रही होंगी, और जो बिगनर है उनको अभी भी कंफ्यूज करती हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से अपने लिए बेस्ट मॉक टेस्ट चुन सकते हो। देखिए, कहीं ना कहीं मैंने 2, 3 या 4 मॉक टेस्ट मैंने ट्राई किया हुआ है, और आजकल जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी कहीं ना कहीं 2 या 3 मॉक लेकर रखते ही रखते हैं। तो ये हर कोई सोचता है कि डाइवर्सिटी रहेगी क्वेश्चंस में, क्वेश्चन अलग अलग तरीके के रहेंगे, तो ज्यादा अच्छे से हमारी प्रिपरेशन हो पाएगी, ज्यादा कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो पाएंगे, राइट। तो ये चीजें हैं, और रखना भी चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप कम से कम 2 मॉक आपको तो रखना ही चाहिए, मैं भी आपसे यही कहूंगी, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि और किस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अभी ऑलीबोर्ड पर SBI PO का मॉक टेस्ट फ्री मिल रहा है 2022 के लिए, जो कि नया मॉक टेस्ट बनाया गया है। और इसमें क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्लस एक मॉक टेस्ट आपको SBI PO मॉक टेस्ट 1 ऑली बोर्ड का बिल्कुल फ्री मिल रहा है। तो ये प्री का मॉक टेस्ट है, आप जाइए इसे अटेम्प्ट करिए और देखिए आपकी प्रिपरेशन कहाँ पर है प्री लेवल की, इससे आपको पता चलेगा। क्योंकि ऐसे जो फ्री मॉक टेस्ट होते हैं, कई बच्चे इसे अटेम्प्ट करते हैं और आपको अपनी रैंक पता चलेगी, आपको अपनी परसेंटाइल पता चलेगी, इससे आपको आइडिया लगेगा। एंड बिल्कुल फ्री है, फ्री में आप जाइए इसे अटेम्प्ट करिए और देखिए, अगर आपको सही लगता है, आपको लगता है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, तो आप यहां से क्वेश्चंस को लगा सकते हो, क्योंकि मॉक टेस्ट काफी अच्छा है, आपको भी पता है। मैंने भी कई ज्यादा यूज किया है, मतलब कई बार मैंने यूज किया है ऑलीबोर्ड को, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो, राइट। तो ये चीजें हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं, बिल्कुल फ्री है, तो आप वहां से अटेम्प्ट कर लेना। एंड जितना भी स्कोर होगा आप स्कोर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, ओके। जितने भी मॉक की कंपनियां हैं, जितने भी मॉक सभी लोग बना रहे हैं, कहीं ना कहीं सभी बेस्ट होते हैं, सभी अपनी तरफ से ट्राई करते हैं बेस्ट क्वेश्चंस देने की। कमी हमारी कहाँ रह जाती है कि हम लोग एनालाइज नहीं करते हैं अच्छे से चीजों को पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, और फिर लगता है कि नहीं, उसने वो मॉक लिया है तो उसका सिलेक्शन हो गया, इसने ये मॉक लिया है तो उसका सिलेक्शन हो गया। बहुत से लोगों का सिर्फ टेस्ट बुक लगाकर सिलेक्शन हो जाता है, बहुत से लोगों का ऑली बोर्ड लगाकर हो जाता है, बहुत से लोगों का प्रैक्टिस मॉक लगाकर हो जाता है। तो आपने अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके की बातें सुनी होंगी। तो जितनी भी चीजें डिपेंड करती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करती हैं। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी स्पीड अच्छी है, तो फिर आप कोई सा भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेनिफिट होगा ही होगा एग्जाम में, राइट। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, ये चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक्सक्यूजेस निकालते हैं कि नहीं, ये मॉक अच्छा नहीं था इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, वो मॉक ज्यादा अच्छा है वो ट्राई करता हूँ या वो ट्राई करती हूँ। तो ये चीजें हैं, क्वेश्चंस डिपेंड करता है, मॉक डिपेंड करता है, आपकी प्रिपरेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे स्टार्टिंग मैंने जब की थी, मैंने टेस्ट बुक यूज किया था, मैं अभी इस टाइम पर ऑली बोर्ड यूज करती हूँ, कभी कभी प्रैक्टिस मॉक भी यूज करती हूँ इस तरीके से, मैं और भी कई सारे मॉक गाइडली है इस तरीके से मेंस के लिए यूज कर लिया। तो सारे मॉक कहीं ना कहीं मुझे अपनी जगह पर बेस्ट लगते हैं, सभी के क्वेश्चंस यूनिक होते हैं, काफी अच्छे होते हैं। तो आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा मॉक लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, जो भी मॉक है वो सभी अपने आप में बेस्ट है। बस जो भी मॉक लिया है, क्या आप पूरा मॉक लगा भी पाते हो या नहीं, ये सोचिए। आपने अगर आपके मॉक में 15 सेट मिल रहा है, तो क्या आपने 15 सेट लगाए हैं या नहीं, उनकी अच्छे से एनालिसिस की है या नहीं, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो मुझे बस यही बताना था, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे, मॉक मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपकी प्रिपरेशन, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है वो बहुत मैटर करता है। और हो सके अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो कम से कम आप 2 मॉक लेकर रखो, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और जितने भी आपके पास मॉक अवेलेबल होते हैं, जितने भी मॉक मार्केट में है, सबके कहीं ना कहीं फ्री टेस्ट अवेलेबल होते हैं, राइट। फ्री टेस्ट सबके अवेलेबल होते हैं, आप एक एक फ्री टेस्ट लगाकर देख भी सकते हो कि आपको कौन सा मॉक ज्यादा सही लग रहा है आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने टूडू के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बेस्ट ऑफ लक।